अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज का हमारा टॉपिक जेनियर चैप्टर थ्री की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के करेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें कौन से न्यू करेक्टर्स हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक करेक्टर है जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है वो है मिस्टर लॉयट का करेक्टर मिस्टर लॉयड जो है वो बेसिकली एक दवा फरोश है जो कि दवाइयाँ बनाते भी खुद हैं और उनको बेचते भी खुद हैं और ये इस घर में जितने भी लोग स्पेशली ये सर्वेंट्स वगैरह या मिसिज रीड जो उनके बच्चों में से कोई बीमार होता है तो सबसे पहले मिस्टर लॉयड ही उनके इलाज के लिए वहाँ पे आते हैं तो अब चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के स्टार्ट में एक चीज़ ये दिखाई गई है क्योंकि वो थोड़ी सी प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने इसकी कम्प्लीट चैप्टर टू की या चैप्टर वन की वीडियो देखें तो मैं आई बटन में डाल दूँगी तो जो इस तरह देखा जाए कि जब सेकंड चैप्टर के लास्ट में मैंने पढ़ा था कि जो जेनियर थी वो रेड रूम में थी और वहाँ पे से ऐसे फील हुए जैसे कि वहाँ पे कोई घोस्ट है और कोई ऐसी क्रिएचर आ गई है जो कि अपने पंखों को फटफड़ा रही है लाइक एन एंजल सॉर्ट ऑफ थिंग तो उसको इस तरह से लगता है तो उसके बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है तो उसके बाद जब उसकी चैप्टर थ्री में जो स्टार्ट है उसमें वो उठती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो ख्वाब देख रही है उसके सामने कोई सुर्ख जगह चौन सी चीज़ है जिसको बंद कर दिया गया बार्स के पीछे और उसको मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हो जाता है कि उसको कोई किसी ने पकड़ा हुआ है कोई है जो उसको उठा रहा है या कोई उसको सपोर्ट कर रहा है उसे पाँच मिनट लगते हैं अपने हवास में सही तरह से आने में तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई एक हम कह सकते हैं मेल बैठा हुआ है जिसको देख के वो बाकायदा खुश होती है क्योंकि उसको उस पूरे घर में कोई कोई भी वो शख्स जो कि उस घर से ताल्लुक़ नहीं रखता था उसको देख के खुशी महसूस होती थी उसके अंदर उसके अंदर एक तरह की एक्साइटमेंट जाग जाती थी और वो अपने तमाम तरगमों को भूल जाती थी तो जब वो ज़रा गौर से देखती है तो वो उन बंदों सॉरी उस पर्सन को जानती होती है जब वो गौर से देखती तो वो मिस्टर लॉयड होते हैं वो उनको इस तरह से जानती है कि मिस्टर लॉयड पहले भी आते रहे हैं इलाज करने के लिए जब भी कोई बीमार होता था या किसी को कोई प्रॉब्लम बन जाती थी तो इसलिए मिस्टर लॉयड पहले भी ट्रीटमेंट के लिए आते रहते थे तो इसलिए उसने जब उनको देखा तो उसको बहुत ज़्यादा एक सूथिंग कन्विक्शन का वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है तो सूथिंग कन्विक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी उसको बड़ा तहफुज महसूस होता है यहाँ पे बात एक हम जो नोट करें कि हालांकि जेनियर उस घर में रह रही है लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद तो किसी भी इंसान से उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन फील नहीं होता जितना कि उसको अन नोन पर्सन से होता है जब वो होश में आती है तो उससे मिस्टर लॉयड पूछते हैं कि बताओ मैं कौन हूँ वो देखना चाहते हैं कि मतलब अपने पूरी तरह से हवास में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो वो फिर उसके बाद उनका नाम लेती है और उनको बताती है कि भी मैं आपको जानती हूँ इस तरह से तो वो फिर उसको नीचे लिटा देते हैं वापस क्योंकि उसकी बॉडी हम ये कह सकते हैं अपेरेंटली इल नहीं होती बट शी वॉज़ मेंटली इल और वो किस वजह से होती है जो जितनी भी सिचुएशन जो ए पिछली रात को हुई होती है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली इल होती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको लिटा देते हैं और कह देते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ और मुझे कल फिर से बुला लिया जाए लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस लड़की को बिल्कुल भी तंग ना किया जाए और एक कंफर्टेबल रात यानी नींद ले रात को तो जैसे वो कमरे से बाहर जाते हैं तो जितनी एक्साइटमेंट जेनियर को होती है उनके आने की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और उसको ऐसा लगता है जैसे कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया तो अब वो उनके जाते हैं तो जाते ही बेसी पूछती है उससे जैन या से, से कि क्या तुम सोना चाहती हो तो जैन जो है ना वो बहुत हिम्मत करके उसको जवाब देती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं सो जाऊँ वो जो इन रिटर्न एक हार्श आंसर मतलब एक्सपेक्ट कर रही होती है बेसी से लेकिन बेसी उसको कहती है कि तुम मुझे बता हो कि तुमने कुछ खाना है या पीना है तो मैं तुम्हें फिर बुला देती हूँ अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो लेकिन वो आगे से मना कर देती है तो जब उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ सवाल करूँगी और बैसी आगे से गुस्सा नहीं होगी तो फिर वो अपनी हिम्मत जोड़ के से सवाल करती है कि मेरे साथ क्या मसला है वैसी मैं क्यों बेहोश हो गई या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़िए तो जो बैसी होती है वह सिर्फ ये उसे कहती है कि जो रेड रूम था उसमें तुम इतना रोई हो कि रो रो के तुम बेहोश हो गई हो और तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे कह के बेसी सर्वन का जिसको क्वार्टर होता है जिसमें जे एन होती है वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाके खड़ी हो जाती है वहाँ पे इतनी खामोशी होती है कि बेसी आराम से बाहर की की सारी बातें सुन सकती थी सॉरी जे सारी बातें सुन सकती थी तो जे जैसी बेसी बाहर जाती है तो बेसी सारा नाम की उनकी मेड है उससे बात बात करती है जो कि जेनियर सुन रही होती है तो वो उसको कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई जरूरत नहीं कर सकती कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ इस रात को अकेले गुजारूं मुझे मतलब डर है कि वो कहीं मर ना जाए और एक उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ हुई है कि जिसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर समा गई है वो जो भी चीज़ उसके साथ जो भी वाक्य हुआ है तो आगे वो उसको एक्सप्लेन करती कि उसको क्या लगता है वो कहती है कि मुझे इस चीज़ की है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था या उस बच्ची के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं थी जो मिसिज थी मिसिज़ का मतलब यहाँ पर मिसिज रीड है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आई हैं जो कि उन्हें नहीं पेश आना चाहिए था तो जब उनके दरमियान ये सारी बातें हो जाती हैं जेनियर वो सारी बातें सुन सुन चुकी होती क्योंकि वहाँ इतनी खामोशी होती है कि उसके लिए कुछ भी सुनना नामुमकिन नहीं था तो जब बेसी वापस आती है तो बेसी अपने साथ सारा को ले कर रूम में आती है तो वो दोनों अपने बेड पे चली जाती हैं और आपस में थोड़ी देर के लिए विस्परिंग करती हैं आहिशाबाद में बातें करती हैं जो कि जेनियर सुन रही होती है तो जब वो बातें कर रही होती हैं तो वो जेनियर के बारे में बात कर रही होती हैं तो जो बेसी होती है वो कहती है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो कि इसके अंदर से गुजर चुकी है अब वो उसने उस इस चीज़ को डिस्क्राइब क्या किया किस तरह की है ऑल ड्रेस्ड इन वाइट एंड वैनिश्ड अ ग्रेट ब्लैक डॉग बिहाइंड हिम थ्री लाउड रैप्स ऑन द चैम्बर डोर अ लाइट इन द चर्च ऑट जस्ट ओवर हिज ग्रेव अब यहाँ पे ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि इस चीज़ को मिस्टर रीड की सोल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं अब इसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि वो ये बताना चाह रही कि कुछ ऐसी चीज़ थी जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी और वो अचानक गायब हो गई और वो जो भी चीज़ थी उसने दरवाज़े के ऊपर तीन दफ़ा ज़ोर से खटखटाया और वो जो मिस्टर रीड की ग्रेव थी वो उसके ऊपर से गायब हो गई और वहाँ पर रोशनी हो गई तो ये सारी बातें करके वो दोनों सो गए और उन्होंने कैंडल को बुझा दी लेकिन जो जेन अर्थी थी उसको नींद नहीं आ रही थी उसको पूरे दिन की वो बातें याद आ रही थी कि उसके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था उसको भी फील हो रहा था कि अब वो मेंटली सफ़र कर रही है सिर्फ और सिर्फ मिसेस रीड की वजह से लेकिन वो अपने ही जहन में सोचती है कि मैं अब उन्हें माफ़ कर देती हूँ उन्होंने मेरे साथ जो भी किया मैं अब उनसे किसी किस्म को कोई बदला नहीं लेना चाहती ना ही अपने दिल में कोई बात रखना चाहती हूँ अगले दिन जब वो उठती है जेनियर अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है और शॉल पहन के नर्सरी की जो हेल्थ रूम है वहाँ पे बैठ जाती है तो उसको अपना आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा होता है और वो अपना जैसे कहते हैं ना एक जिसम टूटना उस तरह वो महसूस करती है लेकिन उसको ये बीमारी इतनी बुरी नहीं लगती जितनी उसको अपनी हम कह सकते हैं दिमाग की बदबखती बुरी लगती है अपनी किस्मत की बदबखती जो है वो उस पर ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि परेशान होती है वो सोचती है वो ओवर थिंकिंग करती है तो उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचती है कि उसके साथ किस तरह से नासाफियाँ हुई हैं इस घर में तो वो उस चीज़ के जो बार बार सोचती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो अपने आँख आँसू को साफ़ करती हुई लेकिन वो जैसे ही साफ़ करती है उसका एक और आंसू उसके चीक्स पे आ जाता है वो चाहती है कि वो खुश रहे लेकिन वहाँ पे रहने वाला कोई जो रीड फैमिली का पर्सन है वो ये नहीं चाहता कि वो वहाँ पर खुश रहें तो जो मिस अबाउट होती हैं वो दूसरे कमरे में सिलाई वगैरह कर रही होती हैं और जो बेसी होती है वो उसके इर्द गिर्द बिखरे खिलौनों को और चीज़ों को समेट रही होती है और उससे थोड़ी थोड़ी देर बाद मुखातिब होती रहती है ताकि वो जेनियर को थोड़ी कंपनी दे सकें तो लेकिन उसको इस तरह के बिहेवियर की आदत नहीं होती है उसके लिए मतलब वो शी वॉज यूज़ टू फॉर वृथल बिहेवियर फॉम एवरी तो उसको ये बिहेवियर अजीब लग रहा होता है मतलब हम ये कह सकते हैं ना अगर किसी के साथ हम अच्छे तरीके से बात करें तो उसको कंफर्टेबल फील होता है लेकिन जेनियर के मैटर में ये उल्टा था उसको ये चीज़ उल्टा बुरी लग रही थी क्योंकि वो सीजलेस बिहेवियर की इतनी आदि हो चुकी थी कि कोई उसके साथ अच्छे तरीके से बात करता था तो उसको वो अजीब लगता था तो बेसिक किचन में जाती है और वहां से उसके लिए टॉट लेके आती है टॉट खाने के लिए के एक चीज़ होती है इसको हम पेस्ट्री वाली साइड पे भी कह सकते हैं ठीक है वो उसके लिए लेके आती है और वो चाइना प्लेट के ऊपर रख के लेके आती है अब जो चाइना प्लेट है जैसे हम भी जानते हैं कि घर में जो मेहमान वगैरह होते हैं उनके लिए अलग यूटेंसिल्स होते हैं लेकिन उस घर में सर्वेंट्स और मिसिस मिसिज रीड और उनके बच्चों के लिए अलग यूटेंसिल्स थे जो कि जेन ईयर ने आज तक सिर्फ अपने पास से देखे ही थे लेकिन उनमें कभी खाना खाने की उसकी इजाज़त नहीं थी लेकिन जब उसको बेसी ने उसमें प्लेट में खाना डाल के दिया एक टॉट डाल के दी तो यहाँ पे एक यहाँ लाइन है जो मैं अगर बोलूँ तो मुझे वो लाइन का मतलब इतना पसंद आया है और ये एक हकीकत है कि कोई भी चीज़ जो हमें जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश हो ना और बहुत अरसे तक उसकी ख्वाहिश हो तो एक वक्त आता है जब हमारे दिल में उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और वो उस ख्वाहिश के ख़त्म होने के बाद हमें मिलती है जिसके बाद हमारे अंदर उसके लिए किसी भी किस्म का की कोई ख़ुशी नहीं होती वही जेनियर के साथ भी है जब जेनियर के दिल में उन प्लेट्स या उन चीज़ों में खाने की जो ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई थी क्योंकि उसने अपने आप का लेस दैन सर्वन कंसीडर कर चुकी थी उसके दिल में अब इस तरह कुछ नहीं था कि वो मिस्टर रीड की फैमिली के कंपेटल आती या उनके साथ उनके शानब शाना बशाना खड़ी होकर हर चीज़ को यूज़ करती है हर चीज़ या तमाम तरह चीज़ों को उसी तरह इंजॉय करती जिस तरह वो करते हैं तो उसने इस तरह कोई नहीं रिएक्शन दिया शी वॉज हैप्पी तो जब ही बेसी ने उसकी टांग के ऊपर वो रखा यानी गोद में लैप में उसके वो प्लेट रखी है तो उसने वो प्लेट उठा के साइड पे रख दी क्योंकि वो नहीं खाना चाहती थी शी वॉजेंट हैप्पियर फॉर दैट डॉट एंड दैट प्लेट बिकॉज शी हैव एनी सॉर्ट ऑफ है फॉर दैट शी लॉस्ट लॉज इंटरेस्ट इन दैट तो फिर उसके बाद जो बैसी होती है शी नोज़ दैट जेनियर जो है उसकी वीकनेस बुक्स हैं तो वो उसकी बुक ऑफर करती है तो वो बहुत खुश होती है वो कहती है मुझे गुलीवर्स ट्रैवल ला के दो तो जब उसको गलीवर ट्रैवल आके देती है तो वो बुक की पूरी सुनारी जो बुक की पूरी स्टोरी है उसके बारे में सोचती है और वो चाहती है कि काश मैं भी इसी तरह ही रह सकती बिकॉज शी इन्जॉय लर्निंग शी लव टू डू रीडिंग शी लव टू इन्जॉय एडवेंचर स्टोरीज एज वेल सो गलीवर ट्रैवल भी उसी तरह की एक स्टोरी है लेकिन जब वो सारा उसकी स्टोरीज़ को पढ़ती है फिर उसके बाद वो अपनी जो बुक है उसको अनटेस्टेड टेस्ट शाट सॉरी टार्ट के साथ रख देती है अभी जो बेसी होती है वो अपनी डस्टिंग वगैरह करके फारिग होती है रूम को साफ़ करके फारिग होती है अपने हाथ वगैरह धोती है तो वो ड्रॉ खोलती है इसमें से सिल्क निकालती है सिल्क के धागे निकालती है और जो जॉर्जियाना है उसकी डॉल के लिए एक बोनेट बोनेट कहते हैं औरतों की एक बेढंगी सी टोपी वो बनाने लग जाती है अभी फिर उस साथ वो गाना गाती रहती है क्योंकि जो बेसी होती है ना वो बहुत कम गाना गाती है लेकिन उसकी आवाज़ जेनियर को बहुत पसंद होती है लेकिन जब वो गाना गाती है शी जस्ट वॉन्ट टू लिट अप द मूड ऑफ जेनियर बट इंस्ट जेनियर गॉट सैड एंड शी बिगन टू क्राइम लाइक इस तरह के हल्का हल्का रोना कि किसी को इतना वाज़ा ना हो तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद जो मिस्टर लॉयड होते हैं वो आ जाते हैं और जब वैसे देखती है कि वो रो रही है तो उसको मना करती है कि मिस जेन डोंट ट्राई कि आप रोए नहीं तो अभी वो जैसे ये कहती है तो मिस्टर लॉइड आ जाते हैं वो मॉर्निंग कहते हैं और वो उससे कहते हैं कि वाह तुम तो पहले ही उठ चुकी हो जिसकी वजह से जे एयर का मूड थोड़ा लिफ्ट हो जाता है तो वो फिर उससे पूछते हैं लॉयड कि आप क्यों रो रही हो तो वैसे ही सिर्फ इस चीज़ को कवर करने के लिए कि वो किस वजह से रो रही हो? वो है वो कहती कि ये इसलिए रो रही है कि जो मिस्टर री, मिसेस रीड हैं वो अपने बच्चों के साथ जा चुकी हैं तो इस वजह से ये जरा उदास हो गई है ये भी जाना चाहती है वहाँ पे कैरिज में उनके साथ लेकिन जो जेन एयर होती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक शी रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ जॉन फॉर द फर्स्ट टाइम शी रजिस्टर्ड इन फ्रंट ऑफ बेसी एज वेल दैट शी इज एन क्राइम फॉर ट्रैवलिंग और गोइंग विद रीड फैमिली इन द कैरिज वो आगे से कहती है कि मैंने कभी भी इन चीज़ों को गौर में लेके ही नहीं आई हूँ तो मैं इन चीज़ों के ऊपर क्यों और किस लिए रहूँगी उसके बाद वो उनके साथ दोनों तीनों के खड़े होते हैं तो इतने में जो नर्सरी होती है उसकी बैल बच जाती है वो खाने के लिए होती है तो जैसी बैल बचती है जो डेसी होती है उसको जाना पड़ता है क्योंकि जो गेट्स हेड ऑल है वहाँ पे खाने के लिए पंक्चुअलिटी लाजमी थी तो बेसी को मजबूरन जाना पड़ता है तो जब वो चली जाती है तो उसके बाद जो मिस्टर लॉयड होते हैं वो उसे पूछते हैं कि आप क्यों गिर गई थी मतलब क्योंकि जो बेसी होती है उसने मिस्टर लॉइड को यह बताया होता है कि जो जेनियर है उसको चोट लगी या वो बीमार इसलिए क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गई तो जो मिस्टर लॉयड होते हैं फिर बेसी गिर जाने के बाद कंफर्म करते हैं कि जेनियर आप किस तरह गिरी हैं कि आप इतना बीमार हो गई हैं तो जेनियर आगे से जवाब देती है मैं गिरी नहीं थी मैं एक मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था जहाँ पे भूत था तो जो मिस्टर लॉयड होते हैं देखें अगर हम लोग हैं अब छोटे बच्चे हमसे इस तरह की बात करेंगे कि मैंने भूत देखा है तो वो बेसिकली जस्ट स्माइल इन रिस्पॉन्स तो मिस्टर लॉयड भी इसी तरह करते हैं और उसको आगे से मुस्कुराने लग जाते हैं और अपने सर को झुका लेते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा भूत था जिससे तुम इतना डर गई हो तो वो आगे से जवाब देती है मिस्टर रीड का भूत था वो उसी कमरे में मरे थे और उनको उधर ही दफनाया गया था ना ना वहाँ पे बसी जाती है ना वहाँ पे कोई और बंदा रात के वक्त जाता है वो मेरी मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने मुझे मेरी मदद करने के बजाय मुझे जालमाना तरीके से वहाँ पे बंद कर दिया वो भी किसी कैंडल के बगैर इतना उन्होंने मेरे जुल्म किया कि मैं इवन कोशिश करना भी चाह चाहूँ ना तो मैं फिर भी उस वाक्य को भुला ना सकूँ तो वो कहता कि ये क्या बेतुकी बात है क्योंकि मिस्टर लॉयट के लिए ये बात नहीं थी क्योंकि एक साइंटिफिक पर्सन जो होता है वो इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करता तो लेकिन वो कहता है कि क्या आप तुम दिन टाइम भी इसी तरह ही डरती रहोगी तो वो कहती नहीं मैं दिन टाइम नहीं मैं रात के वक्त में ज़रूर डर जाती हूँ वही सारी बातें सोच के जो मैंने मेरे साथ उस दिन हुई हैं तो अब वो उससे पूछना चाहता था कि तुम तुम्हें कौन सी बातें इतना नाखुश करती तो वो कहती कि अदर थिंग तो जो लो, मिस्टर लॉयड होते हैं वो एक तरह का हम जा सकते हैं में पड़ जाते हैं कि कौन सी अदर थिंग्स है जिनकी वजह से ये बच्ची इतनी परेशान है तो वो उसे बताना चाहती है कि मैं किन अदर थिंग्स की वजह से परेशान हूँ लेकिन जब वो जहन में सोचती है कि उसके पास इतनी सारी बातें बताने के लिए वो उनको किस तरह कंपाइल करे कैसे उनको इकट्ठा करे और इकट्ठा करके बताए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो शुरू करती है वो कहते हैं शी हैज़ टू टेक अ अटार्ट फ्रॉम सोमवेयर तो बस शुरू कर दिया कि पहली बात कि मेरे पास ना बाप है ना मेरे पास माँ है और यहाँ के जितने लोग हैं वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं मेरे साथ इनक्वालिटी करते हैं तो लेकिन जो मिस्टर लॉयड होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जिस जगह तुम रह रही हो ये जगह बहुत, बहुत बेहतरीन जगह है वो कहती है कि ये मेरा घर नहीं है और यहाँ पे जो एबौट है अबॉट इज़ द मेड तो एबॉट है वो उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पे एक नौकर से भी कम कह सकते हैं राइट है तो उसके बाद मिस्टर लॉइट पूछते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो तुम उसके पास चली जाओ तो वो कहती है मुझे मिसेस रीट ने बताया था कि हमारे कुछ रिलेटिव हैं लेकिन वो बहुत गरीब है वो इतने गरीब हैं कि वो मांग के अपना गुजारा करते रहे करते होंगे और मेरे लिए गरीब लोगों के पास जाना मेरे लिए ह्यूमिलेशन और मैं मान नहीं जाऊँगी क्योंकि जो जोनियर सॉरी जेनियर होती है उसके ख्याल में वो लोग जो गरीब होते हैं वो अनमेनर्ड होते हैं उनके पास एजुकेशन तो होती नहीं है ना तो वो उनके पास और भी किसी किस्म के मैनर्स नहीं होते तो जब मिस्टर लॉयड सारी सिचुएशन को देखते हैं तो वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल जाना चाहोगी क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है और जे के लिए भी स्कूल जाना पॉसिबल था इन ईजीएसट वे क्योंकि उसने बेसी को स्कूल के बारे में बातें करते हुए सुना था लेकिन जॉन था उस जॉन को स्कूल नहीं पसंद था जेने ने, ने यह सोचा कि जॉन और मेरा ओपिनियन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो फिर उसने बेसी के ओपिनियन को ज़्यादा इस बात पे फोकियत दी कि जो स्कूल होता है वो बहुत यू कैन से वहाँ पे हमें बहुत क्रिएटिविटी करने को मिलती है देर आर मैनी करिकुलर एक्टिविटीज़ टू डू तो वो इस चीज़ को अपने जहन में लाती है और अपने फ़ौरन से डिसाइड करती है कि यस आई शुड इन लाइक टू गो टू स्कूल तो वो अपनी एक स्टेटमेंट मिस्टर लॉयड को दे देती है जैसे वो ये स्टेटमेंट देती है तो मिस्टर लॉयड जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा है ये अच्छा है उसको ये बात उसकी पसंद आती है तो अभी वो उसके साथ बातें कर रहा होता है तो इतने में आवाज़ आती है कि जो मिसेस रीड है उनकी कैरेज पहुंच गई है जैसे उसकी कैरिट पहुंचती है तो मिस्टर लॉयड खड़े हो जाते हैं और बेसी से पूछते हैं कि ये आपकी मिस्ट्रेस हैं तो जो बेसी होती है वह इस बात को कन्फर्म कर देती है कि वो मिस्ट्रेस ही आई हैं तो बैसी जो है फिर उसको इनवाइट करती है ब्रेकफास्ट रूम में फिर वो वहाँ पे उसको लेके जाती है मिस्टर लॉइट को वहाँ पर जाके वो मिसिज रीड से मिलते हैं अब इन्हीं तमाम जो सिचुएशन है वो बेसिकली मिसिज रीड से इसलिए मिलते हैं ताकि वो जे एन के लिए स्कूल की बात कर सकें इस तमाम तर सिचुएशन में जे एन के जहन में सिर्फ ये ख्याल होता है कि जो मिसेस रीड है वो क्यों मना करेंगे वो तो यही चाहेंगी ना कि उनके घर में मौजूद एक कूड़ा क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाए और चला जाए तो इन तमाम तर इस तमाम तर सुनारी में जो बसी होती है वो अबॉर्ड से बात करी होती है तो वो बात जेनेर सुन लेती है और उसको पता चलता है कि जो उसका बाप था वो एक बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन था लेकिन जो उसकी मदर थी वो रिच थी लेकिन जो उसकी मदर होती है अपने फादर की विल के बगैर उनसे शादी कर लेती है तो जो उनके फादर होते हैं वो उनको अपनी तमाम प्रॉपर्टी में से निकाल देते हैं तो फिर वो उनके साथ रहने लग जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो जिनके हस्बैंड होते हैं वो आई थिंक सो फॉर चैरिटी और एनी थिंग गरीबों की एक बस्ती में जाते हैं तो वहाँ से उनको लग जाता है टाइफाइड वहाँ से उनको टाइफाइड होता है तो वो उनकी बीवी में भी ट्रांसफर हो जाता है और एज अ रिजल्ट दे डाई विद इन अ मंथ और फिर जो जे थी उसको अपने मामू के पास आना पड़ा तो ये आज के चैप्टर की होल एक्सप्लेनेशन थी और अब मैं थोड़ा इसमें कंक्लूजन्स दे देती हूँ अब इनमें हमारे पास जो कन्क्ल्यूजन है वो ये आती हैं कि जो जे एयर के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है चेंज टू स्पीक फॉर हर और वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रही है स्कूल की तरफ जा रही है और उसने चीज़ों को गलत चीज़ों को गलत कहना सीख लिया है और सही को सही कहना सीख लिया है जो कि ये चीजें इसमें पहले मौजूद नहीं थी उसके जहन में जो बात कि मिस्टर रीड जो है वो अपना रिमांड लेने आएंगे उसने एक बहुत ही पॉजिटिवली एक्ट किया है लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो मिसेज रीड की एक्टिविटीज़ का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है नेगेटिव असर पढ़ने का मतलब यह है कि वो मेंटली इल हो गई है और वो इतनी डर गई है कि वो बरात को अकेले सोने से भी डरती है तो उनके अंदर लैक ऑफ सेंस ऑफ humanity पाई जाती है तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर थ्री में पढ़ी हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपको लेक्चर समझ आया हो तो गिव इट अ था थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच